राज तनवीर आर्टिस्ट चैनल। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल रिक्वेस्ट ये है कि जिन जो हजरात आज नए आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे यूट्यूब के चैनल राज आर्टिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो में एक्चुअली आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो ये है कि हम आज आपको बताएंगे कि अगर आपके किसी भी चीज़ के ऊपर पेंट गिर जाता है, जैसा कि हमारे रिसेंटली काम के दौरान हमारे इस बूट के ऊपर पेंट गिरा है, ठीक है, और ये काफ़ी हद तक ज़्यादा गिर गया था, ठीक है। तो आज हम इसको साफ़ करने का तरीका आपको बताएंगे, जिसके लिए हमने यूज़ किया है थिनर और इसके अंदर है मिट्टी का तेल। तो हम ये यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तरीकाकार ये है कि इसको थोड़ा सा ढेल देना है, ठीक है, उस जगह पर जहाँ पर आपका पेंट गिरा हुआ है, जहाँ से आपने साफ़ करना है। उसका तरीकाकार ये है कि थोड़ा सा ढेलने का फ़ायदा ये होगा कि वो उतनी देर में थोड़ा सा ना थिनर उसको नरम कर देगा, और मिट्टी का तेल और थिनर मिल के इन दोनों चीज़ों को बड़ी बाकायदगी से साफ़ करेंगे, ठीक है। हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर गिराया हुआ था, तो अब हम उसको थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। और ये लिटरली साफ़ होना शुरू हो भी गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं किस हद तक साफ़ हो चुका है, मिट्टी का तेल और थिनर इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। थोड़ा सा मिट्टी का तेल और ये थिनर वगैरह डाल के रख देना है इसके ऊपर, थोड़ा सा, यानी कि वो अब्जॉर्ब हो जाए और वो उसकी सतह को थोड़ा सा नरम कर दे। उसके बाद थोड़ा सा रगड़ेंगे आप और आपका ये बिल्कुल उतरना शुरू हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप अपनी हर चीज़ को साफ़ कर सकते हैं जिसके ऊपर ये पेंट गिरा हो। और मेक श्योर कि थिनर अपने जिस्म के ऊपर कम ही यूज़ करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, ख़ासतौर पर मुँह पर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, ठीक है। एंड सेकेंडली जो है इसे बड़ा एहतियात से रखें और बच्चों की बहुत से दूर रखिएगा। अभी हम इसको रब कर रहे हैं और ये और बाकायदा साफ होता जा रहा है। और जैसा कि अब आप ये देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 90% तक ये सारा पेंट जो है ये उतर चुका है और ये साफ़ हो गया है, ठीक है। तो मज़ीद देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम मज़ीद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच गाइज़।